हरियाणा के रादौर के हेफेड परिसर में लाखों रुपए की लागत से स्थापित किए गए प्रदेश के एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर रौनक लौटने वाली है। आपको बता दें कि हेफेड परिसर में लगा ये प्लांट पिछले करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, जिससे प्लांट की मशीनरी भी धूल फांक रही थी। लेकिन पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज के प्रयासों से अब इस प्लांट को आधुनिक रूप देकर शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही प्लांट में नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी और प्लांट की इमारत को भी दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा, जिस पर विभाग द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए हल्दी प्लांट में अब सरकार की ओर से जान फूंकने की तैयारी कर ली गई है, जिसका क्षेत्र के किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। प्लांट के शुरू होने से किसान भी अपने फसल चक्र को मेंटेन रख पाएगा। वही हल्दी की फसल लगाकर अपनी कमाई को भी बढ़ाने का कार्य किसान करेगा। ये हल्दी प्लांट पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की और इस प्लांट को शुरू करवाने का आग्रह किया, जिस पर इस मांग को पूरा करते हुए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी विभाग को मिल गई है। हल्दी की फसल में पानी की कम खपत होती है, जिससे जैसे जैसे किसान इस फसल के प्रति जागरूक होंगे, पानी को बचाने में भी इससे मदद मिल पाएगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वही हेफेड के मैनेजर पवन काम्बोज ने बताया कि प्रदेश के एकमात्र हल्दी प्लांट की रादौर में वर्ष 2009 में शुरुआत की गई थी, लेकिन प्लांट के मैनुअल होने व क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में फसल उपलब्ध न होने के कारण प्लांट बंद हो चुका था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने प्लांट के सुचारू रखने में काफी प्रयास किए, लेकिन कुछ तकनीकी कमियां भी इसमें आड़े आई और प्लांट नहीं चल पाया। किसानों को अधिक से अधिक प्लांट का लाभ मिल सके, इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए भी विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। हल्दी का प्लांट 2008-09 में यहाँ रादौर के अंदर लगा था और ये 2015-16 तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया था क्योंकि यहाँ हल्दी की अच्छी क्वालिटी ना मिलने की वजह से और इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि इसमें पहले तो मशीनरी जो थी वो बिल्कुल जो है ना मैनुअल थी, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया था। अब बिल्कुल आधुनिक किस्म का एक नया कारखाना यहाँ जो 7 करोड़ 47 लाख रुपए की लगभग लागत से वो यहाँ लगेगा और ये हमारे इलाके के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसे सरकार भी चाहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो और फसलों का जो है ना वो चक्कर बना रहे, क्योंकि किसान जिस प्रकार से धान और जीरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, उसके से जो है ना किसान मसालों की फसल की तरफ ज़्यादा जाए, तो उसके लिए हल्दी प्लांट यहाँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लगा था कि ये कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो हमने कोशिश की है सब ने मिलकर के, डिपार्टमेंट ने भी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारे रादौर निवासियों के लिए कि ये प्लांट हमारा यहीं सेंक्शन हो गया और यहीं जो है ना अच्छा प्लांट लगेगा, आधुनिक टाइप से सारी नई मशीनें इसमें लगेंगी, कुछ जो पुरानी मशीनें हैं वो भी उसमें जो है ना शामिल हो जाएंगी जिनकी ज़रूरत होगी, और बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट लग करके और यहाँ हमारे इलाके के किसानों को जाने का मौका मिलेगा हल्दी की फसल पैदा करने का। टाइम हमारा प्लांट फुली ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल था, और जो लोकल एरिया में जो हल्दी थी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। अब हम इसको कामयाब करने के लिए प्लांट को अच्छी गुणवत्ता की हल्दी का बीज किसानों को मुहैया कराएंगे और ऑटोमेटिक प्लांट लगेगा कम्प्लीटली, ताकि अच्छी गुणवत्ता की हमारी प्रोडक्शन हो और प्लांट कामयाब हो। ये बड़ी खुशी की बात है सब हम सब के लिए, एरिया के लोगों के लिए। यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और खुशहाली होगी एरिया में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.